मम्मी जी कौन सी वाली खानी है, चॉकलेट, वनीला, मैंगो? वनीला खाऊंगी मैं भी है? एक ले ले, दोनों खा लेंगे। ये क्या बात हुई भैया, एक वनीला दे दो, कितना हुआ? 28 रुपए। 28 रुपए की तो है, ले लो मम्मी जी, दो ले लो प्लीज मम्मी। एक में से ही खा लेंगे दोनों के दोनों। मैं झूठा नहीं खाती, मेरे मुंह में छाले हो जाते हैं। पहले तू खा ले फिर मैं खा लूंगी। मैं ही पैसे दे देती हूँ। हाँ, घर से तो मुझसे लेके चली थी, अरे यहाँ पे पैसे देने वाली हो रखी है। वो पैसे भी तो मेरे पति के हैं, भूल जाती है हमेशा, अपनी चीज हमेशा याद रखती है, लेकिन मेरे पति की दी हुई चीज भूल जाती है, चुड़ैल कहीं की। क्या बड़बड़ा रही है? पैसे इधर दे, अपने पास रखूंगी मैं। ये 2 रुपए तो मैं रख लूं। इसको भी इधर दे दे, बहुत खर्चा कर लिया तूने सुबह से। मैंने बहुत खर्चा कर लिया या खुद ने कर लिया? एक चीज तो ठीक से खिला नहीं पा रही है, ऊपर से बकवास किए जा रही है। अगर इनकी बेटी आती ना तो उनको तो भर भर के खिलाती। आइसक्रीम आ गई है, ले ले। ये आइसक्रीम मम्मी जी मेरी फेवरेट है, आपको क्या पता। दे मुझे। आप ही ने तो बोला था पहले तू खाएगी फिर मैं खाऊंगी। अरे मैं भूल गई हूँ, कब बोला मैंने? 2 मिनट पहले ही तो बोला था पहले तू खा ले उसके बाद मैं खाऊंगी। इधर दे दे। मम्मी जी आपने बोला था पहले मैं खा लूंगी फिर आप खा लेना। अरे मैंने खा ली तो क्या हो गया, जहर हो गया ये, ले तू खा ले। मैं झूठा नहीं खाती, आपको पता है, तब भी आपने झूठी कर दी। एक और ले ले। सच में? हाँ ले ले, ले ले बहू, ये ले पैसे। खुश हो जाती है पैसे देके। एक और। बुरी तो है ही लेकिन आज थोड़ा अच्छा काम कर ही रही है। क्या कह रही है? आज जैसे साथ सबको मिले। तू बहुत खुश नसीब है जो मैं तुझे मिली हूँ। और मेरे बेटे के पीछे कितनी लड़कियाँ मरती थी उसमें, कितना सुंदर दिखता है वो। मैं कम सुंदर दिखती हूँ? कम ही दिखती है। मेरे बेटे के बाल देखे तुमने, कितने सुंदर लगते हैं। मेरे बेटे को मसल रही क्या? ला इधर से पैसे दे। मम्मी जी धीरे धीरे खाओ, साथ में खाएंगे सेल्फी लेंगे। चुप रह, मैं अकेले लूंगी सेल्फी इसके साथ। भैया मेरी आइसक्रीम भी जल्दी दे दो। थैंक यू भैया। मम्मी जी मेरी आइसक्रीम आ गई, अब मैं भी इसके साथ सेल्फी लूंगी और बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक कराऊंगी, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करूंगी। अब मम्मी जी मैं सेल्फी ले लेती हूँ। आज तो मैं इंस्टाग्राम पे और हर जगह फोटो डालूंगी। आप थोड़ा दूर रहो, आप तो अपनी सेल्फी अकेले लेने वाली थी, मेरे साथ थोड़ी लोगी? हाँ हाँ ले ले। मम्मी जी आपने ये क्या किया? मैंने क्या किया? आपने मेरी आइसक्रीम खाई है मम्मी जी। ये खाइए, ये खाइए, ये नहीं खाइए। इसमें देखो आपकी लिपस्टिक भी लग गई। दिखा दो। मम्मी जी आप ऐसे नहीं कर सकती मम्मी जी मेरे साथ, आप बिल्कुल अपनी बेटी की तरह हो, वो भी मुझे मार्केट में कुछ खाने नहीं देती और आप वो ही कर रही हो। तूने तो बोला लिपस्टिक लगी इसमें, तो आप ऐसे थोड़ी खा सकती मेरी आइसक्रीम। खाई नहीं थी, साफ करी थी। नहीं आपने खाई थी। मैं तेरी सासू कैसे जवान लड़ा रही है, कितनी ऊंची आवाज कर रही है। सॉरी मम्मी जी। सॉरी वाली कुछ नहीं, ला इधर दे, दफाओ। ये तो मेरी दोनों आइसक्रीम लेके भाग गए, अब मैं क्या करूं, मैं क्या खाऊंगी, बहुत बड़ी चुड़ैल है सच में। मेरे हाथ में दो दो आइसक्रीम, पैसे भी है, दोनों खाऊंगी। दोनों माँ बेटी एक जैसी हैं। मेरे पास पैसे हैं, मैं एक और ले लेती हूँ, इस बार ही चॉकलेट वाली लूंगी। हाँ और वही खाऊंगी, ये 500 रुपए कब काम आएंगे, इन्हीं के पर्स से चुराए थे। भैया एक चॉकलेट वाली देना, आज मैं चॉकलेट वाली खाऊंगी, वेनिला खा खा के वैसे भी मैं थक चुकी हूँ। वैसे एक बात बताऊं भैया, आप जन्नत में रह रहे हो? इतना बड़ा लड्डू, ये तो मैंने सपनों में ही देखा था और टीवी में ही देखा था, आज अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ। इसमें तो बहुत सारे बादाम भी लग रहे हैं, एक बाइट तो ले ही लेती हूँ। ये दोनों दूर दूर तक नहीं दिख रही है, यही अच्छा मौका है नीतू। हाँ मम्मी आपका लड्डू। मेरी मम्मी का लड्डू खाती हो? कैसा है मम्मी? रखो मम्मी को पसंद आ गया, छोड़ो ये लो मम्मी। आप मम्मी का लड्डू कैसे खा सकती हो ये बताओ पहले मुझे। मैंने खाया कहाँ है, बस सूंघ रही थी। सूंघ रही थी, सारा टेस्ट तो सूंघने में होता है। What? सारा ले लिया आपने टेस्ट, टेस्ट कम हो गया ना मम्मी? मैं तो बोल दूँ कैसे? इतना तो बोल लिया, आप वो भी बोल दो। बादाम कम लग रहे हैं मुझे। मम्मी जी मैंने तो खाया भी नहीं है, मैंने तो सिर्फ सूंघा था। मैंने आपको क्या बोला है, सूंघने में सारा टेस्ट चला जाता है। मम्मी आप उधर बैठ के खाओ, एक काम करो, इनको तो मैं देख लूंगी। ये लड्डू तो मेरे बचपन से पसंद थी, पर मेरी मम्मी मुझे खाने नहीं देती थी कि मैं मोटी हो जाऊंगी। आप तो मैं बेफिक्र होके खा सकती हूँ।
आपकी हिम्मत कैसे है मेरी मम्मी का लड्डू खाने का? अगर मम्मी लड्डू नहीं खाएंगी तो लड्डू जैसे कैसे दिखेंगी? वो उनका लड्डू था। लेकिन मम्मी जी का तो वेट कम करना है ना। मैंने क्या बोला है, उनका वेट 60 ही रहता है चाहे वो 90 की दिखे। पकड़ो। आपने सोन पापड़ी क्यों लिया है? अरे वो रमेश जी है ना, उनको देनी है। पता नहीं क्या दिया था उन्होंने पिछली बार, काजू कतली वगैरह। सोच रहे हम भी वही देंगे। हम क्यों दें वो, हम सोन पापड़ी देंगे। सिंपल। काजू कतली सब दी थी। मैंने तो नहीं खाई। मैंने खाई है, लेकिन उन्होंने कहा था सिर्फ आप ही खाना, अपनी भाभी को मत देना, फालतू में मोटी जाएंगी। भाभी मोटी अच्छी नहीं लगती है। नयन तो फिर भी लगती है। कोई भी मोटा अच्छा नहीं लगता, सबको फिट रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए। और मम्मी जी को थोड़ा कम खिलाओ, उनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अरे मम्मी जी को कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, बुढ़ापे में चल नहीं पाएंगी। सुनती रही है बिल्कुल ही। मम्मी जी खा के मोटापा चढ़े जा रहा है और इनको सुनते। लेकिन मेरे लड्डू। कोई बात नहीं, सोन पापड़ी तो मैं खा कर ही रहूंगी। अरे मम्मी मैं ये क्या देख रही हूँ, आपसे आधा लड्डू नहीं खाया गया। मम्मी खाओ, आप बहुत कमजोर हो गई हो। हाँ बेटा बहुत कमजोर हो गई, पर ये तो खाने बनता ही है ना। झूठ मत बोलो मम्मी मुझसे। 80 किलो की हो गई हो आप, 80 किलो की। धीरे बोल धीरे, सबकी नजरों में 60 किलो की हूँ। और अपनी भाभी की तरफ ताने मत दे मुझे। कौन हो गया 80 का? किसकी बात चल रही थी? मम्मी जी आप 80 किलो की हो गई हो। 80 का नहीं मम्मी, 60 की है। मम्मी कुछ भी खा ले, 10 छोले भटूरे, बड़ा पाओ, कुछ भी खा ले, मम्मी 60 की रहती है। मम्मी जी मोटी लग रही है पहले से। मम्मी इतना बड़ा लड्डू मत खाओ, आधा मुझे भी दे दो, मैं भी थोड़ी मोटी हो जाऊंगी। पर आप तो झूठा नहीं खाती हो ना, पीछे से तो खाई सकती हो। दिखाओ मम्मी जी, ये देखो कितना बड़ा लड्डू है। अरे इधर तो मेरी मम्मी लड्डू वापस। पीछे से खा सकती हो, आगे से खा सकती हो, वैसे मम्मी खाएंगी। देख रही हूँ मैं भी सैक्रीफाइस कर रही हूँ, मैं खा रही हूँ। खाओ मम्मी खाओ, मैं देख लूंगी बाकी दुनिया को आपको कौन मोटा कहता है। 60 की मेरी मम्मी, 60 की। मैं नहीं पूछ रही थी, वजन पूछ रही थी। मम्मी आप खाओ, आप बहुत सूख रही हो, देखो डोले चोली भी नहीं है आपके, इतने में तो कुछ नहीं। को कहा है मेरी चिंता, बहू है बहू ही रहेगी, बेटी नहीं बन सकती कभी। आप भी मेरी सास हो और सास ही रहोगी, कभी माँ नहीं बन सकती। ज्यादा बोलो मत मन में, सास है सास, रिस्पेक्ट करो रिस्पेक्ट, जैसे मैं करती अपनी बहरी सास की। अगर आप रिस्पेक्ट करती तो बहरे नहीं बोलती उनको, वो मेरा प्यार है, बहरी है ना वो। मैंने सोन पापड़ी पैक करा दी है, पैसे दे दो मम्मी जी, उनको बिल देना है। आप अपनी सास को सोन पापड़ी नहीं खिला सकती हो? अरे वो तो किसी और के लिए ले रहे हैं ना। अरे तो उसमें से हम भी तो खाएंगे, एक हम अपने लिए ले रहे हैं। चलो करवा लो अब। मैं तो पर्स भी नहीं लेकर आई हूँ, मम्मी जी पर्स लेकर आई है। वो नहीं, आपको पर्स आने की क्या जरूरत थी? फैशन के चक्कर में ले आई मैं। फैशन तो आपका इतना बुरा है ना। क्या मन की बात बोल दी, तुम हंस रही हो दोनों। मम्मी मैं कह रही हूँ आपका फैशन बेकार है। कोई बात नहीं, अभी पैसा आप दे दो, बाकी देखा जाएगा। 500 रुपए देना, लड्डू भी खाए। हाँ हाँ ये लो, हेलो करवाओ बिल। 1, 2, 3, 4, 5। कोई नहीं मम्मी कोई नहीं, एक बाइट मिल जाता तो। जा रही हो ना, जा रही हो? पता नहीं क्या बन के आई है, झूलरी फूलरी पहन के। कोई बात है ये? तू तो चुप ही रह। भैया ये 2 सोन पापड़ी दे दो। सोन पापड़ी तो घर में मैं खा के रहूंगी, वैसे मैंने काफी टाइम से कुछ मीठा नहीं खाया, मन तो कर रहा है सारी मिठाई खाने का, लेकिन मेरी ऐसी कहां किस्मत।